नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसकी परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ही मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट है, निफ्टी में अप ट्रेंड दिखाई देता है, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी को यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के चांसेस हैं और 49,400 के ऊपर अगर निकल जाता है तो बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आज हम लोगों को सीई साइड में हमारे लेवल्स के बेसिस पे देखने को मिले थे। यहाँ पे निफ्टी के लिए मैंने आप लोग के साथ में एक चैनल दिखाया था, ये भी दिखाया था कि सपोर्ट इसने क्रिएट किया हुआ है, सो यहाँ से एक अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। तीनों ही टारगेट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे उससे ज़्यादा ही आज हम लोगों को अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि सीई साइड में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। दोस्तों वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टॉक्स के बारे में, लेकिन वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसीलिए हम लोगों ने अपने उस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शंस पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी स्क्रीनर के साथ में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कस करके रखी हुई है, उस वीडियो को जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो वो साबित हो सकता है। वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। पहले एक बार इसका प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों दोनों ही इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने 2% पॉजिटिव में आज क्लोजिंग दिया हुआ है, वही उससे आधा ही गेन आज हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है वो हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस पे दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा स्कोप इसमें अभी भी ऊपर जाने के लिए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट के जिस टाइप के सेंटिमेंट्स अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं वो हिसाब से हम लोगों को अभी भी मार्केट में एक अप ट्रेंड जो है वो पॉसिबल है, लग रहा है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन 23,325 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए प्राइस ने सस्टेन करना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता है तो एक अच्छा अप ट्रेंड हम लोगों को मंडे के दिन एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज दोनों ही इंडेक्स में मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिल जाता है तो रेजिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। 23,325 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती है। 23,372, 23,414, 23,463 और 23,533 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों जो भी हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। प्रिडिक्शन अभी फिलहाल के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो हम लोगों को इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 23,257 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक हो सकती है। 23,213, 23,153, 23,083 और 23,000 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे।
दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किए हुए हैं, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं, इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना जो है वो होता है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को बहुत इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी की जितना गेन नहीं किया हुआ है, सो हम लोगों को अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में जो है वो दिखाई दे रही है। अगर से मंडे को निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड दिखाती है तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्कोप अपसाइड में लग रहा है, और अगर ट्रेंड लाइन को हम लोग को ब्रेकआउट मिल जाता है, नीचे के साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो फिर डाउन साइड के लेवल्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए मंडे के दिन बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। 49,970 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 50,137, 50,318, 50,491 और 50,706 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 49,847 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है। 49,710, 49,616, 49,506 और 49,402 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।